कभी कभी कहा किसी शायर ने कि हुए कमजोर ये इतने सनम की बेवफाई से कि चींटी खींच ले जाती है उनको चारपाई से। अब कोई कहता है हरियाणा, कोई यूपी बताता है, मगर लगता है निकले हैं हड़प्पा की खुदाई से। मैं चाहता हूं पूरा सदन हास्य व्यंग के एक श्रेष्ठ हस्ताक्षर भाई महेंद्र शर्मा जी को सुनने के लिए आमंत्रित करें। भाई महेंद्र शर्मा जी, परम श्रद्धेय आचार्य तुलसी जी की स्मृति को प्रणाम करता हूं। अनुरत महासमिति दिल्ली के सभी पदाधिकारियों सहित यहां जितने भी गणमान्य व्यक्ति बैठे हुए हैं उनको बार बार प्रणाम करता हूं। मित्रों, ताली बजी मेरी सेहत के हिसाब से, मुझे तो पता ही नहीं था मेरा नंबर बाद में आएगा, पर इसने सोचा पतला दुबला पहले ही निपटा दो। लेकिन मैं कहना चाहता हूं भाई साहब गजेंद्र जी, मेरी काया पे मत जाइएगा कि जीने की तमन्ना व अरमान भी रखते हैं, जीने की तमन्ना व अरमान भी रखते हैं, सांसों में मोहब्बत का तूफान भी रखते हैं, अरे मन की आंखों से हमें गौर से देखो, पतले ही सही पहचान भी रखते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। लेकिन मित्रों, ये पहचान मेरी नहीं है, अनुरोध की वजह से मेरी पहचान है। नाटा जी बैठे हुए हैं, मैं अपने परिवार में कविता पाठ करूंगा, 10 साल से मैं अनुरोध से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि अनुरोध ने मेरी काया बदल दी, जिसका आप कह रहे हो फसला दुबला। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ मित्रों, खुलिए मैं समय की सीमा को ध्यान में रखता हूँ कि हम कवियों को भले न कोई स्वागत द्वार मिले और भले ना सुरभित सुमनों का संसार मिले, अरे हम तो दिल वाले हैं, बस इतना ही चाहते हैं हमें तालियों भरा आपका पावन प्यार मिले, हमें तालियों भरा आपका। मैं आपकी सेवा में निवेदित करना चाहता हूँ आचार्य श्री का आशीर्वाद चाहते हुए कि नैतिकता के पथ पर चलने का जिसने आह्वान किया, नैतिकता के पथ पे चलने का जिसने आह्वान किया, संयम में जीवन जीने का इस युग को नवगान दिया, जिनके गीतों को हर पल हर रोज हवाएं गाती हैं, दशो दिशाओं में जाकर अनवरत संदेश सुनाती हैं, जिनके दर्शन से धरती व अंबर तक अभिभूत हुए, पथ प्रदर्शक बने विश्व के तुलसी शांति दूत। बहुत अच्छा है, अच्छा लगा मुझे। पथ प्रदर्शक बने विश्व के तुलसी शांति दूत हुए, प्रिय दर्श है, अति हर्ष है, हर्षित है ये जनजीवन, युगों युगों तक तुलसी के अवदानों का गूंजे गुंजन। और अंतिम पंक्तियां देना चाहता हूँ, आपके हाथ उठे कि उनके पावन चरणों में भावों की कलियां अर्पित हैं, अनुरोध पथ पर चलते रहने को हम सदा समर्पित। धन्यवाद। मैं सच में मैं हास्य का कवि हूँ, लेकिन आज एक कविता मैं बाद में सुनाऊंगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आप राजस्थान से विभिन्न प्रांतों से आए हैं, मैं हरियाणा से आया हूँ, राजेश चेतन हरियाणा से आए हैं। बहुत अच्छा। और हरियाणा के लोग विचित्र होते हैं, आपने सब जगह देख लिया होगा, समझ गए वो हरियाणा के तो नहीं है, लेकिन बताना चाहता हूँ। अच्छा। 2-3 टिप्पणियों में आनंद लीजिएगा, हमारे जितने भी बुजुर्ग है बहुत आनंद लेते हैं और ऐसा जवाब देते हैं, मैं तो रोहतक जा रहा था, गलती से रास्ता भटक गया, साइड में ताऊ जी खड़े थे, मैंने ताऊ से पूछ लिया, मैं कहा ताऊ जी रोहतक जाना है, ताऊ भला बिरजा काय को खड़ा हुआ है। मैं स्टेशन पे चला गया, वहां एक और ताऊ जी मिल गए, मैंने उनके कंधे पे हाथ रख के पूछ लिया, मैं कहा ताऊ जी कौन सा स्टेशन है, ताऊ ने कंधे से हाथ हटाया, बोले कोई स्टेशन नहीं है, ये मेरा कंधा है, हाथ हटा, ताली एक बार ठोक दो अच्छी तरह, दो और रह गए। स्वागत स्वागत स्वागत। स्टेशन पे चला गया, वहां एक और घटना घटी, एक और ताऊ जी मिल गए, मैंने उनसे फिर पूछा, मैं कहा ताऊ जी ये ट्रेन हिसार जाएगी क्या, बोला बैठ के देख ले। और अंतिम पे आपका आनंद आएगा, अंतिम पे ट्रेन चली, थोड़ी दूर चली थी, इतने में टीटी आ गया, टीटी ने ताऊ से कहा ताऊ टिकट दिखा, ताऊ ने टिकट दिखा दी, टीटी बोले तो पुरानी है, ताऊ बोला ट्रेन कौन सी नई शोरूम से निकाल के लाए। तो मित्रों, अच्छा वाह वाह वाह, आज पैदा हो जाता है। आइए केवल समय का ध्यान रखते हुए दो बंद की एक छोटी सी कविता सुनाना चाहता हूँ। स्वागत स्वागत महेंद्र जी, बहुत अच्छा। ये तिरंगा आप देख रहे हैं, इसके नीचे हम खड़े हुए हैं, इसका कहीं कहीं बड़े बड़े लोगों से कहीं ऐसी गलती से हो भी जाता है, अपमान नहीं कहूंगा मैं, लेकिन लोग नहीं समझते कि कौन सा रंग ऊपर होना चाहिए कौन सा नीचे होना चाहिए। यहाँ से प्रारंभ करना चाहता हूँ कि अपने घर में अपनी ही पहचान कहीं ना खो जाए, अपने घर में अपनी ही पहचान कहीं ना खो जाए, और अंधेरों के आगे दिन मान कहीं ना खो जाए, वक्त आ गया जन जन में अनुरोध अभियान जगा दे, हम विश्व गुरु कहलाए फिर वो हिंदुस्तान बना दे। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। विश्व गुरु कहलाए फिर वो हिंदुस्तान बना दे हम, और आतंक की बात जहाँ आई कश्मीर में क्या हो रहा है वो एक बंद देना चाहता हूँ।
कि वतन भरोसों को ने जाने कैसा चढ़ा जुनून यहाँ, वतन भरोसों को ने जाने कैसा चढ़ा जुनून यहाँ, अपना मांस नोचने को ही बढ़ा रहे नाखून यहाँ, बारूदों का ढेर बना दी कश्मीर की हरियाली और बिलक बिलक कर रोते हैं वहाँ अमन चैन में खुशहाली। बहुत अच्छा, और देश की दीवारों को शांति पुष्प खिला दे हम, विश्व गुरु कहलाए फिर वो हिंदुस्तान बना दे बना दे हम। क्या बात है। अंतिम दो मंत्र पढ़ना चाहता हूँ कि छोटे छोटे लालच के झूलों में हम नहीं झूलेंगे, छोटे छोटे लालच के झूलों में हम नहीं झूलेंगे, सत्य अहिंसा प्रेम भाव की भाषा कभी न भूलेंगे और संयम में जीवन हो अपना ये संकल्प उठाएंगे और गुरुवर के आशीषों से ये जीवन सफल बनाएंगे। बहुत अच्छा, वाह वाह। गुरुवर के आशीषों से ये जीवन सफल बनाएंगे, कथनी करनी के अंतर को जड़ से आज मिटा दे हम, विश्व गुरु कहलाए फिर वो हिंदुस्तान बना दे हम। जय अनुग्रह। बहुत बहुत धन्यवाद।